यार ये इसका नेक्स्ट पार्ट है लास्ट में यार, वो सच्चाई पता चल गई अजय को। वो बड़ा यार अपने आप पर जुल्म कर रहा है, बोल रहा है बस मुझे शर्मिंदा हूँ क्या करूँ सबके सामने, और वो बोल रहा है मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा काला ठाकुर ने, बाप का ही गला दबा रहा था इतना उसको गुस्सा था। अब देखते हैं, का जोरी भाई ने बोला है भाई जल्दी जाओ तो देखना है, हम हमसे भी नहीं रहा जा रहा, देखते हैं आखिर क्या होता है। तो प्ले करें एक बात सुनो, दोबारा इस शहर में दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा, समझे? चलो काजल। चलने की तैयारी करो, लिफ्ट लैंड करो। ए, कहाँ जा रहे तू? तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तुम जल्दी से क्रेन को बुलाओ सर, और गैंग में हटाने की तैयारी करो। सर, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे चाहिए सर। ओके, जाने दें इनको। थैंक यू सर।
आपने फोन करके ये शिप आधा घंटा लेट क्यों करवाया? अगर आज ये जहाज चला जाता ना तो हम अपने बच्चों की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते। जिंदगी भर हमने गंदगी समझा, चला गया किसी नाली की गंदगी समझा, अब हमें भरोसा ही नहीं है। दौलत मंद होने के बावजूद भी हम कितने गरीब हैं। हमारी सच्ची दौलत तो तुम हो मेरे बच्चों, तुम हो। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन जब माँ बाप से गलती हो जाए तो बच्चों का भी फर्ज है कि उन्हें माफ कर दे। पहले माफ किया ना, दीवार में से निकल रहा था चक्कर वाला चाबीना। अभी बात ऊपर वाले तेरा खेल निराला, कुत्ते की दुम को सीधा कर डाला। यार हैप्पी एंडिंग भाई, हमें लगा ये फिर से ड्रामा है पर मूवी ही खत्म होगी यार। अच्छा हुआ, चलो उनको एहसास अभी हुआ, अभी शायद दिल से ये माफ़ी मांग रहे थे। जोनी भाई ने भी अप्रूव कर लिया ना भाई, कुत्ते की धूम सीधी हो गई तो मतलब वो सीधे हो गए यार। बड़ा अच्छा लगा यार, ये दोस्त मिल गए ना, बहुत खुशी हुई। वर्रा अगर ये ना मिलते ना मतलब हमारा दिल भी भारी था यार, ये मिल जाएं और मिल गए, बड़ी खुशी हुई हमें यार, बहुत अच्छा लगा, एकदम फ्री हो गए हम भी। वरना बड़ी टेंशन थी यार, इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। शुरू से इनकी दोस्ती देखी, इनकी मस्ती देखी, कॉमेडी देखी, अभी ये दुख जब देखने को मिला तो हम देख ही नहीं पा रहे थे। और बड़ा अच्छा लगा यार, ये मिल गए, वो ऐसे भी किया अपनी महबूबा को। राजा हिंदुस्तानी भाई दिल का सच्चा है भाई, वरना इतना जुल्म हुआ ना, कोई और होता भाई वो ऐसे जल्दी मानता ही नहीं, वो चला जाता, बोला भाई कि इतना कुछ किया है अभी कैसे माफ़ी दे दूँ। पर ये हमारा हीरो था यार, इसने माफ़ी दे दी। बड़ा अच्छा लगा, बहुत मुझे पसंद आई ये मूवी। पहली बार इस मूवी में हम इमोशनल भी हुए इतना, वरना हम इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होते, हम भी ढीठ होते हैं। इस मूवी ने हमें इमोशनल कर दिया यार, बहुत अच्छी मूवी थी ये। शुरू से लेकर एंड तक इस मूवी को हमने एंजॉय किया। बस सस्पेंस था बीच बीच में कि ये यार क्या हो रहा है, ये हरामी, ये चोपड़ा, ये काला ठाकुर, कभी ये सीधे हो जाते हैं, कभी टेढ़े हो जाते हैं। पर इस बार इन्होंने माफ़ी मांगी, बोला असली दौलत हमारी तुम हो बच्चे लोग। बहुत अच्छा लगा। बाकी यार वो बीच वाला मुझे एक सीन याद है, जब काला ठाकुर बोल रहा है क्या साबित करना चाहता है तू, क्या साबित, जोनी भाई को पकड़ के बोल रहा था ना इसे आके, उस वक्त इतना मुझे हंसी आई। बड़ा काला ठाकुर का वो डायलॉग पावर वाला था, क्या साबित करना चाहता है। काला ठाकुर ने झटका लगा, अरे ये क्या, ये तो सारा हमारा प्लेन खत्म कर देगा। और वो भी वो सूखा हुआ वो जो था नवाब साहब आपका पुतला, वो भी मुझे याद है यार। बहुत इस मूवी ने हंसाया, बहुत इसमें हर चीज एकदम इन्होंने परफेक्ट डाली है भाई। हंसी भी इतनी थी कि अनलिमिटेड, और दुख भी था कि भाई आंसू आ जाते यार। मजा आ गया यार इनको मिलते हुए देखा ना, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमें दिखाओ तो मजा और भी आ जाए। बहुत ही जो है क्या बड़ी जबरदस्त मूवी थी ये। लास्ट में यार मेरा भी बड़ा दिल खुश हो गया। ये आपकी बात सही है कि राजा हिंदुस्तानी का दिल साफ है भाई, वरना इतना कुछ होने के बाद भी माफ़ी नहीं मिलती भाई। अजय ने जो किया ना शाका भाई ने, वरना इसके तो और भी दांत तोड़ देता ये हमारा राजा गजनी हमारा ये। पर गजनी ठीक है भाई, बंदा अच्छा है, दिल का साफ है, कमाल कर दिया, माफ़ कर दिया, जोड़ी बन गई भाई साहब, बड़े अच्छा। काला ठाकुर ने भाई मज़ा नहीं किया भाई, दिल का काला है कमीना, जब मजाक करता था तो अच्छा लगता था भाई, मजाक मस्ती में वो चलता रहता है। ये जो हरामीपन दिखाया ना भाई अलग करने वाला भाई, इसने मुझे बड़ा दुख दे दिया। मतलब कि दिल पर वजन था भाई, एक बोझ था हमारे कि यार ये मज़ा नहीं हुआ ऐसे। लास्ट में मज़ा इन्होंने किरकिरा कर दिया भाई, वो फ्लो में चलते ना मिल जाते भाई साहब मज़ा आ जाता। पर अच्छा हुआ मिल गए भाई सभी नोक झोंक, और हम देखते ना राजा हिंदुस्तानी की थोड़ी देखी भाई ऐसे, मज़ा आ गया। बाकी ये जो हमारा जोनी भाई है, इस बंदे ने कमाल कर दिया भाई, सारे राज खोल दिए इस कमीने के। नहीं तो ये तो कभी पता नहीं चलता, जगह जोनी भाई अगर नहीं दिखा दे ये क्या साबित करना चाहता है भाई, वो तुम्हें कमीने काले ठाकुर तुम्हें दिखा रहा है तुम्हारा हरामीपन, वो भाई उसके पैरों से जमीन खिसक गई वो ही तस्वीरें दिखा रहा है भाई साहब। चोपड़ा तो हरामी चुपचाप था, वो हरामी था भाई, चुपचाप अपना काम करता जा रहा था भाई साहब। बाकी यार मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी।
शुरू से लेके वो नवाज साहब आ रहा था, वो अलग ही स्टाइल था। ये किसने बनाया मुझे, इस नाचीर ने अपने हाथों से बनाया है, काट डाल उस कमीने के हाथ। भाई साहब मजा आ गया, बहुत इंजॉय किया सब। हाँ भाई आज तो मजा आ गया, देखकर हैप्पी एंडिंग हो गई ना भाई, सारे मिल गए और काला ठाकुर भी सीधा हो गया, वो सबसे बड़ी बात है। और टकला भी है हमारा चोपड़ा साहब, उसने भी बोला भाई मेरी बच्चे असली दौलत तो तुम शुक्र है, ये हरामखोर पहली मरतबा सीधे हो गए, वरना ये टेढ़े ही टेढ़े होते। बाकी जोनी भाई ने जो काम किया ना भाई, उसने तो बड़ा अच्छा किया। आ गया पूरी मूवी जबरदस्त, ऐसी मूवी कभी नहीं देखी भाई जिंदगी में, पहली बार ऐसी मूवी देखी है। इमोशनल भी हुए, हंसे भी और खुश भी हुए, और मजा आ गया। और सूखा हुआ थोड़ा दिखा देना ना लास्ट पार्ट में, मजा आ गया। और लंगड़ा 25 25 और वो जो गेडा था, मैं इनको मारूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, खंजर लेके छत पे गिर गया। और गेंडा स्वामी वो भी बड़ा आरामी था भाई, सब एक से बढ़ के एक दे यार। बहुत अच्छी लगी ये मूवी ना, आज तक हमें बेस्ट लगी ये, बहुत अच्छा लगा देखकर। मिलेंगे किसी और मूवी में, देखते हैं अभी नेक्स्ट कौन सी मूवी है। ये एंड हो गई, मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू ऑल।